बड़ी खबर, सबसे बड़ी खबर किसान आंदोलन पर। देखिए सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला आ चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने कृषि कानून के अमल पर रोक लगा दी है। बिल्कुल, तीनों कानूनों के अमल पर सुप्रीम कोर्ट ने अगले आदेश तक रोक लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी का भी गठन किया है। सुप्रीम कोर्ट ने 4 सदस्य कमेटी बनाई है। कमेटी सदस्य नंबर 1, आपको बता दें, देखिए ऐसे 4 सदस्य हैं जिनकी कमेटी सुप्रीम कोर्ट ने बनाई है। तो देखिए तीनों कानून के अगले आदेश तक फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है, इसके अमल पर रोक लगा दी है। और देखिए सुप्रीम कोर्ट ने साथ ही एक कमेटी का भी गठन किया है। ये कमेटी अपने आप में काफी महत्वपूर्ण है। अक्षय मेरे सहयोगी लगातार जुड़ चुके हैं। अक्षय बताइए, ये जो चार मेंबर्स की कमेटी बनी है उसमें कौन कौन शामिल है? बिल्कुल दीपिका, हमारे दर्शकों को ये बताते हैं कि किस तरीके से अब कृषि या उससे जुड़े तमाम ऐसे क्षेत्र हैं जिनके चेहरों को इस कमेटी में शामिल किया गया है। जो पहले नाम है उस नाम की ओर आप गौर करिएगा कि किस तरीके से यहाँ पर भूपिंदर सिंह मान जो कि अध्यक्ष हैं बीकेयू के, इनको जगह दी गई है। इसके अलावा प्रमोद कुमार जोशी डायरेक्टर है, इन्हें भी जगह दी गई है। कृषि अर्थशास्त्री अशोक जी, उनको इस कमेटी का हिस्सा रखा गया है। जबकि अनिल दलकर जो कि महाराष्ट्र से ताल्लुक रखते हैं उन्हें भी इसमें शामिल किया गया है। अब ये कमेटी करेगी क्या? कमेटी ये करेगी कि किसानों से उनकी बातचीत करेगी, उनसे राय जानेगी कि आखिर ये कानून आपको लगता है कि गलत है तो क्यों लगता है। 500 संगठन है, उससे ज्यादा है, तो 500 से ज्यादा संगठनों में तमाम किसानों के जो नेता हैं उनसे उनकी राय ली जाएगी। सरकार से पूछा जाएगा कि अगर ये डाउट इनके मन में है तो इसका जवाब आपके पास क्या है, और उसके बाद अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। और ये तमाम जो बड़े चेहरे हैं इसमें अब कमेटी की अध्यक्षता कौन करेगा ये फिलहाल साफ नहीं हुआ है। इंतजार रहेगा कि कब सरकार को या सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो आज ऑर्डर हुआ है उसकी कॉपी आती है, तब ज्यादा तस्वीर साफ होगी। एक बार फिर से प्रत्युष का रुख करते हैं। प्रत्युष, लेकिन एक चीज देखना होगा, क्या किसान संगठन का एक नुकसान हो रहा है? क्योंकि अभी तक सरकार से आप बार्गेनिंग कर ले रहे थे। बार्गेनिंग किस लिहाज से? आप कानून के इतर जो तमाम बातें हैं, जो तमाम मांगे हैं, उसका भी जिक्र कर ले रहे थे और सरकार कह रही थी हम मानने को तैयार हैं। लेकिन अब कमेटी सिर्फ और सिर्फ इन तीन कानूनों के अंदर आने वाली बातों पर बात करेगी और उसकी रिपोर्ट सौंपेगी। देखिए अक्षय, बिल्कुल, ये जो कमेटी है ना, ये बिंदुवार बात करेगी, ये क्लॉजेस टू क्लॉजेस बात करेगी जिसको लेकर आपत्ति दर्ज कराई जा रही है। आपने देखा कि आज एमएल शर्मा ने कहा कि इस बिल के जरिए, इस कानून के जरिए किसानों की जमीन ली जाएगी। तो फिर चीफ जस्टिस ने पूछा कि किसने ये बात कही। उन्होंने कहा कि ये ऐसा लिखा है कि अगर क्वालिटी पैदावार नहीं होगी तो उसकी भरपाई उसकी जमीन से की जाएगी। उन्होंने कहा कि ठीक है, इन तमाम बिंदुओं को हम देखेंगे, एक अंतरिम आदेश भी दे देंगे कि किसानों की जमीन नहीं ली जाएगी। तुरंत चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने पूछा कि भाई आपके 400 किसान संगठनों का आप अकेले प्रतिनिधित्व कर रहे हैं? एमएल शर्मा ने कहा नहीं। तो बाकी के वकील कहाँ हैं जो 400 किसान संगठनों का आज प्रतिनिधित्व कर रहे थे, वो आज कहाँ हैं? तो पता चला कि वो आज आए नहीं। देखिए बहुत सारी चीजें हैं जो अब तक हवा हवाई थी ना, अब वो इस कमेटी के सामने बिंदुवार डिस्कस होंगी। जो बात कही जा रही थी कि विज्ञान भवन के अंदर बैठक चलती है, ये कहते हैं कि साहब वापस लो नहीं तो फिर हम बॉर्डर खाली नहीं करेंगे, अब कमेटी का काम यही होगा कि जो जो बातें कही गई हैं कि बिना किसी परामर्श के ये कानून ले आया गया, फिर इस कानून में ये क्लॉज है जिसकी वजह से किसानों के हितों का नुकसान है, यही चीजें ये कमेटी देखेंगी जिसमें 4 मेंबर इसमें बनाए गए हैं कि आखिर किन किन बिंदुओं पर आपत्ति और आपत्ति कितनी जायज है, और अगर वो जायज है तो फिर इसका समाधान कैसे निकलेगा। क्योंकि मुख्य न्यायाधीश ने साफ कह दिया है इस कमेटी का काम है इस मुद्दे का पूर्ण समाधान निकालना। हम मीडिएटर की भूमिका। प्रत्युष आप हमारे साथ बने रहिए, इस वक्त सीधा रुख करते हैं सिंघू बॉर्डर का, जहां हमारे साथ हितेन मौजूद है। हितेन, सिंघू बॉर्डर हब था किसान आंदोलन का, तो अब वहां से सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद क्या कुछ तस्वीरें सामने आ रही है? बिल्कुल, देखिए यहाँ पर जैसे कि मैंने बताया कि अभी 3 बजे बाद एक बैठक होनी है संयुक्त किसान मोर्चा की, और यहीं से जो है रणनीति बनाई जाएगी। हालांकि जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कह दिया था कि हमारा आदेश का पालन आपको करना ही पड़ेगा, उसके मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने कानून को जो है होल्ड पर डाल दिया है और एक कमेटी का गठन कर दिया है। तो अब ये कमेटी के समक्ष इन्हें आना ही पड़ेगा। ये भले मना करते रहे लेकिन इन्हें आना पड़ेगा, और इनके जो सबसे बड़े लीडर है बीकेयू के, उन्हीं को जो है इस कमेटी में शामिल किया गया है। तो कहीं ना कहीं ये कमेटी अब जो है कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट में इस पूरे मसले का रिपोर्ट जो है वो सौंपेगी और उसी के बाद हल निकलेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि सिंघू बॉर्डर से एक रणनीति तो आज बननी है कि महिला, बच्चे और बुजुर्ग, क्या इन लोगों को घर वापस भेज देना चाहिए या नहीं भेज देना चाहिए। क्योंकि देखिए एक संगठन ने तो सुप्रीम कोर्ट में बोल दिया कि हम अपने संगठन से महिला, बच्चे और बुजुर्गों को वापस भेज देते, दूसरी ओर सोमवार को इन्हें लिखित में भी जवाब देना है। बिल्कुल, सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में इन्हें पूरी हो गई है।
लेकिन अब 3 बजे की जो बैठक किसान संगठन की रखी गई है उसके बाद क्या डिसीजन लेते हैं किसान, वो भी देखना महत्वपूर्ण होगा। एक बार फिर से सुमित का रुख कर लेते हैं जो कि इस पूरे यज्ञ को उन्होंने सुना समझा। सुमित, इस वक्त जो हमारे साथ दर्शक जुड़े उन्हें आप बताएं स्टेप बाय स्टेप किस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश सुना है, उसके बाद एक कमेटी गठित की। जी बिल्कुल दीपिका, देखिए सुप्रीम कोर्ट ने इस तीनों कृषि कानून के अमल पर रोक लगा दी है, वो भी अगले आदेश तक रोक लगा दी है। और कोर्ट ने साफ तौर पे कहा है कि हम कमेटी का गठन कर रहे हैं और कमेटी अपनी जब तक फाइंडिंग हमें नहीं दे देती है तब तक ये कानून जो है वो लागू नहीं होगा। तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि इस पूरे मसले पर अब कमेटी ही आखिरी फैसला लेगी और तब तक ये कानून जो है वो लागू नहीं होगा। देखिए चार सदस्यों की ये कमेटी है, लेकिन इस कमेटी को लीड कौन करेगा, हेड कौन करेगा, ये शाम तक जो सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पे जो रिटन ऑर्डर आएगा उससे तस्वीर जो है वो पूरी तरह से साफ हो जाएगी। लेकिन सबसे अहम बात आज की सुनवाई में यही रही, आज के आदेश में यही रही कि इस पूरे मसलों को लेकर दो मुद्दे और अहम उठाए गए हैं। पहला मुद्दा ये कि आज की सुनवाई में केंद्र सरकार और याचिकाकर्ता जो हरीश सालवे हैं, याचिकाकर्ता के जो वकील हरीश सालवे हैं, उन्होंने एक अहम बातें उठाई कि इस ये जो जिस तरह से प्रोटेस्ट हो रहा है, ये जो किसान आंदोलन हो रहा है, इसके पीछे प्रतिबंधित संगठन जो है वो इस किसान आंदोलन को सपोर्ट कर रहा है, जिस पर CGI ने टोकते हुए कहा कि आपके पास क्या सबूत है। तो इस पर केंद्र सरकार के जो वकील हैं उन्होंने कहा कि हम IB के रिपोर्ट के आधार पर हम इसे साबित कर सकते हैं। और इसी पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कल तक आप, यानी कि बुधवार तक आप इस पर हलफनामा दाखिल कर हमें बताएं। तो ये भी बातें जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट के सामने हैं कि आखिरकार आंदोलन की आड़ में असामाजिक तत्व तो इस आंदोलन को लीड नहीं कर रहा है। और इस पर भी सुनवाई जो है वो आने वाले दिनों में, यानी कि सोमवार को मुमकिन है, क्योंकि कल केंद्र सरकार की ओर से जब हलफनामा दाखिल किया जाएगा इस पूरे मसले को लेकर तब देखना बेहद अहम होगा। और वहीं जो एक और जो मुद्दा है वो 26 जनवरी को ट्रैक्टर रैली पर रोक लगाने की जो केंद्र सरकार की अर्जी है उस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार की अर्जी पर किसान संगठनों को नोटिस जारी कर पूछा है कि क्यों ना इस ट्रैक्टर रैली पर रोक लगा दी जाए। और इस पर भी जवाब का जिक्र बहुत जरूरी हो जाता है क्योंकि 26 जनवरी पर ट्रैक्टर रैली की मांग को लेकर लगातार अटके रहे हैं राकेश टिकैत। आज भी कह रहे थे कि नहीं ट्रैक्टर रैली तो होगी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जब ये कहा कि भाई 26 जनवरी को दिल्ली की सीमा में कोई दाखिल होता है कौन नहीं होता है ये फैसला दिल्ली पुलिस को करने का अधिकार है, ये उसका अधिकार क्षेत्र है, वो फैसला लेगी, तो इसके क्या मायने हैं? क्योंकि लगातार कहा जाता रहा है कि दिल्ली पुलिस इसकी इजाजत नहीं दे रही है कि कोई ट्रैक्टर रैली निकाल पाए, यानी एक बार फिर से टकराव की स्थिति बन सकती है। जी बिल्कुल, देखिए इसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने किसान संगठनों को नोटिस जारी किया है और पूछा है कि क्यों ना ये जो प्रस्तावित आपकी ट्रैक्टर रैली है उस पर रोक लगा दी जाए। ये सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी कर सीधे तौर पर किसान संगठनों से पूछा है, तो सोमवार तक जवाब जो है वो किसान संगठनों को सुप्रीम कोर्ट में देना होगा। ये सबसे अहम बात है क्योंकि कल जब सुनवाई हो रही थी अक्षय, तो चीफ जस्टिस ने एक अहम बात की कि हमें आशंका है कि इस किसान आंदोलन के जरिए जो हिंसा भड़क सकती है, और कोर्ट ने इसी बात का इशारा किया था। और कल शाम में ये एक तरह से सरकार ने मांग कर दी, दिल्ली पुलिस के जो ज्वाइंट कमिश्नर हैं उन्होंने एक एप्लीकेशन लगाई और कहा कि ये ट्रैक्टर रैली जो है उसे उस पर रोक लगाई जानी चाहिए, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत की छवि धूमिल करने की कोशिश की जा रही है। तो ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिरकार किसान संगठनों की ओर से सुप्रीम कोर्ट में क्या जवाब दाखिल किया जाता है, क्योंकि आज की सुनवाई में सबसे अहम बातें ये रही कि जो किसान संगठन के जो 4 वरिष्ठ वकील थे वो सुनवाई में पेश नहीं हुए, और इसको लेकर CGI ने हैरानी भी जताई, लेकिन CGI का साफ तौर पे मानना था कि ये मसला जो है वो समाधान चाहता है और हम चाहते हैं कि ये कल भी सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा था, हम ये नहीं कह रहे कि रद्द कर दे कानून सरकार, लेकिन ये कह रहे हैं कि यहाँ पर ये सुनवाई इसलिए हो रही ताकि कोई हल निकल सके, जो कि इस बैठकों के दौरान तो नहीं निकला। प्रत्युष का एक बार फिर से रुख करेंगे, गाजीपुर बॉर्डर पर मौजूद है। प्रत्युष देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने तीनों कानून के अमल पर रोक लगा दी, लेकिन बावजूद इसके हमें नहीं लगता कि किसानों के रुख में किसी भी तरीके की नरमी आई है। देखिए किसानों का साफ कहना है, खासतौर पर राकेश टिकैत का जो अभी बयान आया, लेटेस्ट बयान आया, जिसमें वो कह रहे हैं कि आंदोलन तो हम जारी रखेंगे। उन्होंने कहा कि जब तक कानून वापसी नहीं तब तक घर वापसी नहीं। उन्होंने इस बात का जवाब नहीं दिया कि क्या ये जीत इसे मानते हैं। उन्होंने कहा कि नहीं, ये बड़ी जीत नहीं है। और जो
ऑर्डर की पूरी कॉपी है उसको पढ़ने के बाद लीगल टीम से वो डिस्कस करने के बाद ही इस पर अपनी राय पूरी तरीके से दे पाएंगे कि अब आगे करना क्या है, क्योंकि अब हर को ये जानना चाह रहा है कि क्या ये बॉर्डर खाली करेंगे, दूसरी जगह जाएंगे या नहीं जाएंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने बता दिया कि इसकी एक पूरी प्रक्रिया है। अगर आप कहते हैं कि रामलीला मैदान हमें चाहिए तो उसके लिए आपको बकायदा एक एप्लीकेशन आवेदन देना पड़ेगा, फिर पुलिस प्रशासन की अनुमति लेनी होगी, तब आप वहां पर जाकर के धरना प्रदर्शन कर सकते हैं। देखिए अब अगर ये इस तरीके से बॉर्डर पर बैठे रहेंगे और अगर इस दौरान उत्पात या हिंसा की कोई घटना होती है तो जाहिर तौर पर फिर सुप्रीम कोर्ट के कड़े सवालों का इन्हें सामना करना पड़ेगा, क्योंकि देखिए इस कमेटी का सरकार ने स्वागत किया है, सरकार कह रही है कि हम भी समाधान चाहते हैं, ठीक है सुप्रीम कोर्ट ने ये कमेटी बनाई है उसका हम वेलकम करते हैं, अब तमाम किसान संगठनों को इस पर अपना स्टैंड प्रतीक्ष लौटेंगे आपके पास। इस बीच एक बड़ी खबर है आशी। बिल्कुल, इस बीच एक बहुत बड़ी खबर आ रही है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद केंद्र मंत्री अनुराग ठाकुर का बड़ा बयान आया है। अनुराग ठाकुर ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश का सम्मान करते हैं हम। बिल्कुल, तो देखिए अनुराग ठाकुर ने यह कहा और तमाम केंद्र के जो मंत्री है वो भी यही कह रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट जो भी फैसला सुनाएगी वो सबको मानना भी होगा और सम्मान भी करना होगा। क्या कुछ कहा अनुराग ठाकुर ने आपको सुनाते हैं। अभी अभी सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया कि तीनों कृषि बिल पर रोक लगा दी गई है अगले आदेश तक और कमेटी का गठन कर दिया गया है। मेरा सिर्फ इतना मानना है जी कि तीनों कानून किसानों के हित में है जी, देश भर के किसान इससे खुश भी हैं जी, और जो निर्णय सुप्रीम कोर्ट ने दिया है हमें उसको मानना भी है जी, और साथ ही साथ इसमें से रास्ता भी निकालना है ताकि किसानों को उसका लाभ मिले। चलिए सीधे लिए चलते हैं आपको सिंगू बॉर्डर, जहां हमारे संवाददाता हितेन मौजूद है। हितेन, सिंगू बॉर्डर पर 3 बजे बैठक होने वाली है, तो क्या जो आंदोलन का लोकेशन है उसको चेंज करने की भी बात सामने आ रही है? बिल्कुल, हर पहलू पर चर्चा होगी। देखिए, क्योंकि सरकार सुप्रीम कोर्ट ने जो है साफ साफ आशा व्यक्त की थी कल कि अगर हम एक कदम आगे बढ़ रहे तो आप भी जो है निर्धारित जगह पर जा सकते हैं, आप इस तरह सड़कों पर जो है सड़कों को ब्लॉक नहीं कर सकते, और आज 48वां दिन है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट को जो करना था सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया, कानून को जो है रोक लगा दी है, कानून पर रोक लगा दी और कमेटी का गठन कर दिया है, तो कहीं ना कहीं अब इन्हें कमेटी में शामिल होना पड़ेगा। देखिये, जब 3 बजे बाद यहाँ संयुक्त किसान मोर्चा की एक बैठक होगी ना, उस बैठक में हर पहलू पर चर्चा की जाएगी कि कमेटी के सामने किस तरीके से अपने मुद्दे रखने हैं। सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में जो लिखित में हलफनामा देना है 26 जनवरी के ट्रैक्टर मार्च को लेकर, तो क्या ट्रैक्टर मार्च निकलेगा नहीं निकलेगा, बच्चे बूढ़े बुजुर्ग इन लोगों की घर वापसी पर, ये सभी मुद्दों पर जो है चर्चा होगी। हालांकि देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया कि हम यहाँ ये कोई राजनीतिक मंच नहीं है, हम समाधान के लिए बैठे हुए या देश की सर्वोच्च अदालत है और सर्वोच्च अदालत का फैसला आपको मान्य रखना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट ने आज भी देखिए आंदोलन को लेकर कुछ कहा नहीं है, कहीं ना कहीं अगर सुप्रीम कोर्ट अब अगर समाधान करा रही है तो अब इन्हें भी जो है हर पहलू पर आगे बातचीत करते हुए अपनी एक रणनीति तय करनी होगी, और उम्मीद जताई जा रही है, हर कोई उम्मीद कर रहा है कि देश को जो तकलीफ हो रही है बीते 48 दिनों में, कहीं ना कहीं अब इस रास्ते के बाद, सुप्रीम कोर्ट का इस रास्ते के बाद, अब ये सड़क पे से आंदोलन को स्थगित कर सकते हैं। देखिए, निर्धारित जगह के लिए रामलीला मैदान की सुप्रीम कोर्ट में बात की गई, लेकिन इन्होंने कभी रामलीला मैदान की परमिशन दिल्ली पुलिस से मांगी ही नहीं है। साफ साफ इनके वकील ने कहा कि उनके ध्यान में ऐसी कोई बिल्कुल यही बात आप जो कह रहे थे, देखिए अब हवा हवाई बातों से कुछ नहीं होगा, जब आप कोर्ट का रुख कर चुके हैं, कोर्ट इसमें बीच में दखल दे रहा है, तो सीधी सी बात यह है कि आपको तथ्यों पर बात करना होगा। अब जो कमेटी का गठन किया गया है उसका काम यही होगा कि जो भ्रम की स्थिति है वो समझने की कोशिश करेगी, क्या ये जायज है। वहीं इसके अलावा सरकार जो कह रही है उस पर भी ये कमेटी अब तहकीकात करेगी, समझने की कोशिश करेगी कि किसान संगठनों का डर क्या है और इसकी खामियां क्या है। वहीं सरकार अगर खूबियां बताती है तो उस पर भी रायशुमारी के बाद ये कमेटी अपना फैसला सुनाएगी। 4 सदस्यीय कमेटी है, कौन कौन से चेहरे हैं एक बार फिर से हम उन चेहरों का जिक्र करना चाहेंगे जिनके ऊपर जिम्मेदारी सौंपी गई है कि सरकार और किसान संगठनों के बीच जो विवाद है वो खत्म किया जाए और ये रिपोर्ट सौंपे कि जो 3 कानून आए हैं उसकी वैधता होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, फैसला सुप्रीम कोर्ट सुनाए। तो इन 4 चेहरों पर, जिसमें अनिल धनवट का भी नाम शामिल है, भूपिंदर सिंह मान बीकेयू के अध्यक्ष हैं, इसके अलावा प्रमोद कुमार जोशी जी डायरेक्टर हैं IFPRI के, उनके ऊपर ये जिम्मा होगा। शेतकारी संगठन महाराष्ट्र से हैं अनिल धनवट,
ये तमाम चेहरे हैं जो लगातार ये पता लगाने की कोशिश करेंगे कि आखिर जो डर है वो जायज है या नहीं है। यानी सिर्फ इन तीन कानूनों की बात होगी। इसके अंदर देखिए, आप जब सरकार से बातचीत के लिए जा रहे थे तो किसान संगठनों ने कहा कि हमारे बकाया बिजली बिल का क्या होगा। सरकार ने कहा चलिए हम वो माफ करने के लिए तैयार है। आप मान जाइए, किसान संगठन माने नहीं। उन्होंने कहा कि पराली पर कानून बनाए, सरकार ने कहा इस पर भी हम एक बार बातचीत करते हैं, इस पर भी हम मानने को तैयार है। किसान संगठन तब भी नहीं माने, आंदोलन चलता रहा। और खबर बता दें, दोपहर 3 बजे किसान संगठनों की बैठक होने वाली सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर चर्चा होगी। जो बातें सुप्रीम कोर्ट की तरफ से की गई है उस पर अमल करना है या नहीं करना है, और किस तरीके से ये कानून पर तो रोक लगा दी गई है, लेकिन किसान क्या कुछ निर्णय लेते हैं उसके बाद ही ये साफ हो पाएगा। दोपहर 3 बजे किसान संगठनों की ये बैठक होने वाली है। सीधा रुख करेंगे सिंगू बॉर्डर का। हितेन, आज की बैठक काफी महत्वपूर्ण है, लेकिन देखिए जिस तरीके से सरकार और किसानों के बीच जब बातचीत होती थी उसके वक्त जो रुख किसानों का होता था वही रुख इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी किसानों को देखने को मिल रहा है। हाँ या ना पर अभी भी किसान डटे हुए हैं। देखिए, वो रुख उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में दिखाने की कोशिश की है, लेकिन वो रुख चला नहीं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया कि हम सर्वोच्च अदालत है, हम जो आदेश देते हैं उसका पालन आपको करना ही पड़ेगा, चाहे आप माने या ना माने। उनके लिए एक बड़ा झटका है, क्योंकि उन्होंने तो अपने वकीलों को भेजा भी नहीं। जो 400 किसान संगठनों को रिप्रेजेंट कर रहे थे कल, 4 वकील, वो वहां पहुंचे ही नहीं। सीजेआई ने साफ साफ चिंता जाहिर की कि वो कहां गए, वो क्यों नहीं पहुंचे। दूसरी तरफ दूसरे वकील जो है साफ साफ कहते हैं कि किसानों से उन्होंने बात की है। वो किसान कह रहे कि हमें किसी भी समिति में शामिल नहीं होना है, कानून रद्द करना है। सुप्रीम कोर्ट ने वो सारी बातें ठुकरा दी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देखिए भाई साहब, हम तो कमेटी बनाएंगे, हम राजनीतिक मंच नहीं है, हम राजनीति करने बैठे नहीं है, हम समाधान के लिए बैठे। सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी का गठन कर दिया, कानून होल्ड पर डाल दिया। तो अब ये मंथन करना पड़ेगा। अब इनके पास 4 बजे बाद जब ये ऑर्डर की कॉपी पहुंचेगी, इनके वकील लेके यहां पहुंचेंगे, उसके बाद इन्हें उस आदेश का पालन करना ही पड़ेगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, वो देश की सर्वोच्च अदालत का आदेश है। आपको सरकार पर विश्वास नहीं है, सरकार की कही बात पर विश्वास नहीं है, कम से कम सुप्रीम कोर्ट ने जो कमेटी का गठन किया है उस पर तो विश्वास रखिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट बड़ी शालीनता से अब तक जो है कहीं ना कहीं कह रही है कि आप आंदोलन करिए, आंदोलन से कोई दिक्कत नहीं है, आंदोलन से आपको कोई नहीं रोक रहा है, लेकिन पूरे मसले का समाधान में निकलना जरूरी है। शालिनी का रुख करते, एक और बड़ी खबर है, सीधे सुप्रीम कोर्ट का रुख करते हैं। शालिनी हमारी संवाददाता, शालिनी क्या है बड़ी खबर? बिल्कुल, देखिए लगातार सवाल यही पूछा था कि आप जबकि तीनों कृषि कानूनों के अमल पर रोक लगा दी गई है तो आंदोलन आगे जारी रहेगा या नहीं रहेगा, निगाह सबकी इसी ओर थी। राकेश टिकैत का बड़ा बयान सामने आ चुका है। राकेश टिकैत अब ये कह रहे हैं कि जब तक बिल वापसी नहीं तब तक घर वापसी नहीं, मतलब राकेश टिकैत अभी भी आंदोलन जारी रखने के मूड में है। ये स्पष्ट वक्तव्य राकेश टिकैत का सामने आया है। क्या कह रहे हैं वो, ये पहला रिएक्शन जी हिंदुस्तान आप तक पहुंचा रहा है, सुनिए जरा। हम ये है कि चर्चा करके और इसका हमको क्या डिसीजन हमको लेना है इसमें, वो हम बता देंगे जी। हाँ, कोर्ट ने तो रोक तो लगाई थी ना। तो ये पहली जीत इसे कहें किसानों की, कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट से मिली है? नहीं, अभी इसे जीत का नाम नहीं दे सकते। देखो, बिल वापसी नहीं, घर वापसी नहीं, ट्रिपल कैप है, बंदूक का पहरा है जी। हाँ जी, यहाँ पर रोक लगा दी है जी, यहाँ पर जो है, यहाँ पर जो कानून है उस पर फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। किस तरीके? नहीं, कितने दिन के लिए? फिलहाल रोक लगाई है, फिलहाल अभी कोई समय। हाँ तो चलो ठीक है, अपना आंदोलन तो जारी रहेगा ना, आंदोलन जारी रहेगा। किस तरीके से आप देख रहे हैं इस पूरे मामले को? देख रहे, वहाँ पे लीगल जो कमेटी होगी उससे बात करेंगे कि क्या हुआ है। कानून को लगातार आप लोग ये कह रहे थे कि कानून को खत्म करने की बात कर रहे थे, लेकिन हमारा वही है हमारा कि कानून खत्म हो। कितने दिन में कानून खत्म होंगे? राकेश टिकैत, मुझे लग रहा है सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश को ठीक ढंग से समझ नहीं पाए, भाप नहीं पाए। सुमित, आपने सुना होगा राकेश टिकैत से जब रिपोर्टर ने पूछा कि कानून पर रोक लगा दी गई है तो वो उल्टे पलट के पूछ रहे हैं नहीं कितने दिन के लिए, कितने दिन के लिए रोक लगाई गई है। वो मुझे लग रहा है अभी तोलमोल के नहीं बोल पाए, समझेंगे फिर बोलेंगे। यही वो राकेश टिकैत है जो संशोधन पे एक तरह से राजी थे एक समय में, लेकिन ऐसा बीच में क्या हुआ कि अब कानून रद्द कराने की जो जिद है वो उस पर एक तरह से अड़ गए हैं। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि राकेश टिकैत को ये समझना होगा, राकेश टिकैत को ये समझना होगा कि कानून को रद्द करना जो है उसके उसका जो एक प्रोसेस होता है
वो अभी फिलहाल नहीं हो सकता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में भी अगर मामला आएगा तो सुप्रीम कोर्ट की जो तीन जजों की जो ये बेंच है वो सुनवाई नहीं कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट की पांच जजों की संविधान पीठ ही संवैधानिक मामलों को डील कर सकती है, ये राकेश टिकैत को समझना होगा। चलेंगे गाजीपुर बॉर्डर जहाँ प्रत्यूष लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। प्रत्यूष, ओवर टू यू। देखिए, कोर्ट ने कहा कि हम अनिश्चित काल के लिए इस कानून के अमल पर रोक नहीं लगा रहे हैं। इसका मतलब कि जो कमेटी बनी है, जाहिर सी बात है, अंडरस्टूड है ये, कि वो भी एक टाइम फ्रेम के अंदर काम करेगी, कि इतने दिनों के भीतर कमेटी सभी लोगों से डिस्कस करने के बाद, यानी कि चर्चा करने के बाद, राय मशवरा करने के बाद, फिर एक किसी निष्कर्ष पर पहुंचेगी और वो रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को सौंपेगी। शायद राकेश टिकैत यही समझना चाह रहे थे कि आखिर कितने दिनों के लिए रोक लगी है। देखिए, अब इसके मुताबिक ही आगे किसान संगठनों को अपने आगे की प्लानिंग करनी है, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि अगर अभी हम सड़क खाली कर देंगे तो शायद हमारा आंदोलन कमजोर हो जाएगा, फिर हमें बहला फुसला जाएगा। लेकिन ये बात शायद वो समझ नहीं पा रहे हैं कि ये कमेटी केंद्र सरकार ने नहीं बनाई है, ये कमेटी देश की सर्वोच्च अदालत ने बनाई है और वो साफ साफ कह रही है कि हम इस कमेटी के जरिए आपके मसलों का समाधान चाहते हैं, इसलिए इस कमेटी का गठन किया गया है। अब 3 बजे जब किसान संगठनों की प्रेस कॉन्फ्रेंस है तो शायद पूरी तस्वीर किसानों के पक्ष की तरफ से साफ हो पाएगी कि आखिर वो अब आगे क्या करने वाले हैं। क्या वो रामलीला मैदान में जाने के लिए आवेदन देंगे, इस आंदोलन से बुजुर्ग महिलाओं और बच्चों को दूर करेंगे, सारी चीजें मेरे ख्याल से 3 बजे इन सवालों का जवाब मिलना चाहिए। चलिए, बड़ी कवरेज जी हिंदुस्तान की इस खबर पर लगातार जारी है। सुबह से हम लगातार इस पर बड़ी कवरेज कर रहे हैं, हर पहलू पर आपको बता रहे हैं कि आगे क्या होने वाला है, पल पल की अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। एक बहुत ही छोटा सा ब्रेक के बाद जल्द लौट रहे हैं, बने रहिए जी हिंदुस्तान के साथ। तो किसान आंदोलन पर सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया है, जहां रद्द करने की मांग लगातार की जा रही थी, रद्द करने से अभी इनकार करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इन 3 कानूनों के अमल पर हम रोक लगा रहे हैं और रोक तब तक जब तक कमेटी, जिसका गठन खुद सुप्रीम कोर्ट ने किया है, जिसमें 4 सदस्यों का नाम अब डाल दिया गया है, और ये 4 सदस्यीय कमेटी जब तक अपनी रिपोर्ट नहीं सौंपती है तब तक के लिए इस कानून के अमल पर रोक रहेगी। अब इस कमेटी के सामने तमाम किसान संगठनों के नेता जा सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं, इसके अलावा सरकार अपना पक्ष रख सकती है, यानी अब बातें सिर्फ इन 3 कृषि कानूनों को लेकर होंगी। आपको याद होगा कि इससे पहले जब सरकार और किसान संगठनों के बीच बातचीत चल रही थी, उस दरमियान कई दफे ये देखने को मिला था कि जो कानून के इतर मांगे हैं, जैसे कि बकाया बिजली बिल माफ करने की बात हो, पराली को लेकर बात हो, उन तमाम मसलों पर भी चर्चा होती रही, क्योंकि सरकार लगातार किसान संगठनों का विश्वास जीतने की कोशिश कर रही थी और ये जताने की, दिखाने की भी कोशिश थी कि आपकी मांगों पर हम ना सिर्फ एतबार कर रहे हैं बल्कि हम उसे लागू करने के लिए तत्पर भी हैं, बस आप इस आंदोलन को खत्म करिए। सरकार की तरफ से गुजारिश भी की जाती रही कि बच्चे, बूढ़े और महिलाओं को इस आंदोलन से दूर रखिए, क्योंकि ठंड बढ़ रही है, महामारी का प्रकोप पूरे दुनिया में देखने को मिल रहा है, लेकिन किसान संगठन टस से मस नहीं हुए, अपनी बातों को लेकर वहां डिगे नहीं, डटे रहे। अब देखना यह है कि जब सर्वोच्च अदालत की तरफ से यह फैसला सुनाया गया, उसके बाद क्या किसानों के जो रुख है उसमें नरमी देखने को मिलेगी। जो सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जाहिर की, वही सरकार ने पहले जाहिर की थी कि बच्चे, महिलाएं और बुजुर्गों का इस आंदोलन में क्या काम है, क्यों उन्हें इस कड़कड़ाती ठंड में आंदोलन में इस्तेमाल किया जा रहा है एक तरीके से, या बिठाया जा रहा है, उन्हें वापस क्यों नहीं भेजा जा रहा है। इसमें कुछ किसान संगठन राजी होते नजर आए हैं कि हाँ, बच्चों को और महिलाओं को घर भेजा जाएगा, बुजुर्गों को घर भेजा जाएगा, वहीं दूसरे किसान संगठन अभी भी हटने को तैयार नहीं है। यही वजह है कि 3 बजे अब सिंघू बॉर्डर पर एक बार फिर से किसान संगठन के तमाम नेताओं की बैठक बुलाई गई है, जिसमें आंदोलन के आगे के प्रारूप पर चर्चा होगी। अब देखिए कि शुरुआत से क्या कहा जा रहा था, शुरुआत से ये कहा जा रहा था कि दिल्ली पुलिस किसानों को रामलीला मैदान जाने नहीं दे रही है। आज कोर्ट ने सीधे सीधे पूछ लिया, क्या इसके लिए आपकी तरफ से कोई अर्जी दी गई थी, क्योंकि रामलीला मैदान हो या दिल्ली का कोई भी दूसरा हिस्सा, आंदोलन के लिए आपको दिल्ली पुलिस के पास एक अर्जी देनी चाहिए। इस पर सीधे सीधे याचिकाकर्ता ने कह दिया, मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं है, बिना अर्जी के आपको इजाजत कैसे मिलती, ये बड़ा सवाल है। लेकिन अब जब कमेटी
तमाम पहलुओं पर गौर करेगी तो उनमें तथ्य होने जरूरी हो जाते हैं, और वो भी तथ्य सिर्फ और सिर्फ इन तीन कानूनों से जुड़े हुए। अब बाकी मांगे जो लगातार की जाती रही हैं, जिस पर सरकार ने हामी एक तरीके से भरी थी जब वार्ता का दौर चल रहा था, अब वो बातें साइडलाइन हो जाएंगी, उसका जिक्र इस कमेटी के सामने करने का कोई मतलब नहीं होगा। तो इस फैसले पर, सुप्रीम फैसले पर नजर लगातार बनी हुई है। अपडेट के साथ लौट रहे हैं। सफर में हो या फिर घर पर, अब हर खबर होगी आपकी हथेली पर। ऐप स्टोर पर जाएं और डाउनलोड करें जी हिंदुस्तान ऐप। 5 भाषाओं में चुने अपनी पसंद की भाषा। जी हिंदुस्तान के लाइव टीवी पर कीजिए क्लिक और देश दुनिया की हर खबर पर रखिए 24 घंटे अपनी नजर।